तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे बेसिकली, तो यहाँ पर तुम देखोगे ए मैग्नेटिक नीडल इज सस्टेंड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ए मैग्नेटिक नीडल सस्टेंड टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर 3 जूल टर्न थ्रू द 60 डिग्री। मतलब अगर जो है मैग्नेटिक नीडल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अपना ऐसे है और एक मैग्नेटिक नीडल है, दिस इज द मैग्नेटिक नीडल, मतलब ये इसका नॉर्थ पोल होगा और ये इसका साउथ पोल होगा, ठीक है। तो ये ऐसे मैग्नेटिक वे, और इसको मुझे ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। थीटा पहले जीरो था, थीटा 1 0 था, और थीटा 2 एंगल पे घुमाना है जो कि थीटा 60 डिग्री है। ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे इसे घुमाना है कुछ ऐसा, मुझे इसको मैग्नेटिक नीडल को रोटेट कराना है, तो ये एंगल ऐसे कुछ घुमाना है मुझे 60 डिग्री पे। तो अगर मुझे 60 डिग्री पे घुमाना है तो जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है वो √3 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन, तो जैसे ही नीडल इस पोजीशन में आएगी तो इस पोजीशन में आने के उसके ऊपर एक टॉर्क लगने लगेगा, उस टॉर्क की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले तुम देखोगे टॉर्क जो लगेगा उस पर, टॉर्क इस पोजीशन में, तो टॉर्क इज इक्वल टू mv sin थीटा लगेगा, और इस पोजीशन में m और v और sin थीटा, मतलब sin 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ, sin 60 मतलब √3 mv/2, दैट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क। तो ये अमाउंट ऑफ टॉर्क लगने लगेगा उस पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये अगर मुझे टॉर्क लगने लगेगा, तो अगर ये टॉर्क लगने लगेगा तो वर्क डन कितना होगा, तो अभी ये टॉर्क जो है ना, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एम बी यहाँ से, और कॉस थीटा 1 - cos θ यहाँ से 2। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ से एम बी और कॉस थीटा 1 0 - cos θ 60 डिग्री यहाँ से, तो अब प्यारे बच्चे यहाँ से देखोगे तो एम बी यहाँ से और कॉस 0 1 होता है, और कॉस 60 साइन 31/2, तो यह आ जाएगा यहाँ से एम बी बाई यहाँ से 2। तो एम बी बाई 2 जो यहाँ से, जो ये बेसिकली हमें वर्क डन हो जाएगा वर्क, और यहाँ से वर्क डन दिया हुआ है तो एम √3 यहाँ से, √3 जूल यहाँ से दिया हुआ है, दैट इज यहाँ से एम बी बाई 2। तो यहाँ से एम बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2√3। तो ये मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो नेट अमाउंट ऑफ टॉर्क जो आ जाएगा वो √3/2, और एम बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3। तो यहाँ से 2 ने 2 को कट गया, और √3 से मतलब 3 जूल इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।